Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel Civil Services Platform. इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि झारखंड का ऐसा क्या क्या चीज है जो कि इंडिया में उसका फर्स्ट रैंक है या फिर बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज में है. ठीक है, तो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, पूजा. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और ये JPSC और झारखंड SSC CGL के लिए रिलेवेंट है और जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं. ठीक है, और आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपने सोचा है कि आप इस बार JPSC या JSSC CGL में अपेयर होना चाहते हैं तो प्लीज़. और ये मेनली इंग्लिश मीडियम के लिए है. ठीक है, मेनली इंग्लिश मीडियम इन द सेंस कि ये हिंदी में हम हिंदी में बोल रहे हैं पर ये लिखा हुआ इंग्लिश में. हिंदी मीडियम भी वाले इसे ज़रूर देखें क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बस चीज़ों को याद करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उनको उनके कॉन्सेप्ट को समझना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं आप सबके लिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमने खुद देखा था कि जितने भी कंटेंट अवेलेबल है झारखंड के लिए वो सब हिंदी में है, जिससे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था और मैं नहीं पढ़ पा रही थी. तो मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो बाकी लोग ना फेस करें, तो इसलिए इट इज़ अ स्मॉल इनिशिएटिव बाय मी, छोटा सा ये प्रयास किया गया कि चलो आप लोगों को कुछ अच्छा मिले, कुछ बेटर मिले. और मैं ऑनेस्टली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज. दिस ईयर आई विल अपियर फॉर UPSC एग्जामिनेशन. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि झारखंड जो इतना बड़ा राज्य है तो उसका क्या क्या रेलिवेंस है इंडिया में और वो क्या क्या इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है. तो झारखंड फर्स्ट इन द कंट्री किस किस चीज़ में. तो इंडिया का जो पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट था. दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो USA का टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से लिया गया है. ठीक है, और झारखंड का फर्स्ट स्टील फैक्ट्री कहाँ था, तो साक्षी जमशेदपुर में बनाया गया. ठीक है, जमशेदपुर में टिस्को भी बनाया गया, मतलब जमशेदपुर में ही टिस्को है. जमशेद जी टाटा भी टिस्को, मतलब जो है वो भी झारखंड जमशेदपुर से ही है. और जितना भी है सब सब मतलब इंडस्ट्रियल टाइप इंडस्ट्रियल रीजन जो है झारखंड वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट. फिर जो पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो सिंदरी में है. ठीक है, सिंदरी में है. फर्स्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो टिस्को में है. फर्स्ट कोल वॉशरी जो है वो घाटो रामगढ़ में. ठीक है, घाटो रामगढ़ में. हमेशा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज कर दे ऑप्शन में दे करके कि वहाँ धनबाद या झरिया का नाम दे दे और हम लोग उसमें टिक कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है. तो कोल वॉशरी जो पहला है वो घाटो रामगढ़ में. और पहला अटेम्प्ट कौन किया था मॉडर्न आयरन स्टील बनाने का, तो वो झरिया में हुआ था, धनबाद में. पहले इंडियन भारतीय कौन है जिनको एविएशन लाइसेंस मिला था. ठीक है, एविएशन मतलब हवाई. ठीक है, उस चीज़ का लाइसेंस, तो वो JRD रतन टाटा है. पहले इंडस्ट्री जिनको भारत रत्न मिला तो वो भी JRD रतन टाटा है. ठीक है, पहले हॉकी प्लेयर जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे तो वो जयपाल सिंह है. जयपाल सिंह फर्स्ट कैप्टन थे हॉकी टीम के जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे. पहला ट्राइबल रिवॉल्ट कौन सा था अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये तिलका मांझी रिवॉल्ट किए थे. ठीक है, पहला रिवॉल्ट जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट था. पहली लेडी ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो ये लक्ष्मी है. ठीक है, ये ट्राइबल वीमेन है. फिर फर्स्ट अर्दन डैम इम्बैंकमेंट होता है, इम्बैंकमेंट जो कि कनेक्ट करता है रिवर्स को एक डैम बना करके, तो वो तेनू घाट में है, बोकारो में. ठीक है, लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव फैक्ट्री का है वो गोमिया में, बोकारो में. ठीक है, और फिर झारखंड किस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो फिर झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट मिनरल रिसोर्स है, जो कि मैंने पहले भी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि झारखंड बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है रिसोर्स के मैटर में. ठीक है, झारखंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल माइंस है. झारखंड के पास लार्जेस्ट एस्बेस्टॉस रिजर्व्स है. ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेट है टू ओपन ई लाइब्रेरी ओपन करने का, ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट बना था. और लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टिंग फैक्ट्री जो है वो घाटशिला में, घाटशिला ईस्ट सिंहभूम में. ठीक है,
और लार्जेस्ट रिलीजियस फेयर है वो श्रावणी मेला और बैद्यनाथ धाम देवगढ़। यहाँ पे बहुत ही भव्य मेला आयोजित किया जाता है हर साल। ये करीबन 1.5 महीने तक आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरा शहर को लाइट से डेकोरेट कर दिया जाता है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, आप लोगों को आके भी देखना चाहिए यहाँ। और फिर यहाँ पे एक और है कि रिसर्चर्स कौन, एक वो रिसर्चर है जो कि हिंदी लैंग्वेज को डिटेल में रिसर्च किए थे ऑन द टॉपिक ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो वे फादर कमिल बुल्के, और ये भी झारखंड से है। ठीक है, ओल्डेस्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये प्रेमलता अग्रवाल है, ये भी झारखंड से है। ठीक है, ओल्डेस्ट वीमेन, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम मिस मधु कोरा। ठीक है, फिर फर्स्ट हॉस्पिटल टू डिस्प्ले रोबोटिक आर्म, रे रिनपास, रांची के, रांची में। और फर्स्ट जू टू हैव अ लायन एंड कब ऑफ अफ्रीकन ऑरिजिन, तो ये टाटा जूलॉजिकल गार्डन है जो कि जमशेदपुर में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट इन झारखंड कौन कौन है। ठीक है, और जो जेपीएससी का कंटिन्यू सीरीज था ट्राइब्स का, वो भी स्टार्ट कर, मतलब वो ऑन ही है, वो कल तक एक वीडियो आ ही जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बस पढ़ते रहिए मन लगा करके। थैंक यू।